हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू इल्यूजन वीडियो। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम अपने डिफरेंट सेंसेस का यूज करते हैं एंड हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी स्ट्रोंग होगी उतने ही अच्छे हम ऑब्जर्वर होंगे। तो आज की माइंड ब्लोइंग वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी स्ट्रोंग है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 5 इल्यूजन होंगे और हर एक इल्यूजन को सोल्व करने पर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अगर आप एक इल्यूजन सोल्व करते हो तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। दो इल्यूजन सोल्व करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। इसी तरह से 5 इल्यूजन सोल्व करने पर आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। तो आपके टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना। एंड जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इल्यूजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट वाला इल्यूजन तो बहुत ही कमाल का है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इस शर्ट में टोटल कितने होल्स हैं, जल्दी से ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। इस शर्ट में टोटल 8 होल्स हैं, एक लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे, और 2 होल सेंटर में है, और जो 2 होल सेंटर में है ना, वो एक फ्रंट से है और एक बैक से है। तो टोटल मिला के बनते हैं 8 होल्स। आपने कितने होल्स ढूंढे थे चैट सेक्शन में बताना। नंबर 2, इस इमेज में आपको कितने सर्कल्स दिख रहे हैं। नाउ टाइम ओवर, इस इमेज में टोटल 4 सर्कल्स हैं। इल्यूजन सॉल्व करने के लिए आप हर एक लेयर में कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने की ट्राई करो एंड आप देखोगे कि टोटल 4 सर्कल्स बन रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों ये वाला इल्यूजन तो बहुत ही अमेजिंग है। इन दोनों सर्कल्स का सेंटर में जो कलर है, क्या वो सेम है। ऑब्जर्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। नाउ टाइम ओवर, बहुत से लोगों का आंसर होगा कि डिफरेंट है, बट इन रियलिटी सेंटर में दोनों सर्कल्स का कलर सेम है, बट जो सेकंड वाला सर्कल है उसके जिसको ब्लर किया गया है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाले सर्कल का कलर लाइट है, बट इन रियलिटी बोथ द सर्कल्स हैव सेम कलर एट द सेंटर। नंबर 4, इस इमेज में सीक्वेंस वाइज कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो आपको नंबर्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ लोगों का आंसर होगा 528, कुछ लोगों का आंसर होगा 45283, बट द करेक्ट आंसर इज 3452839। ये नंबर है और यही नंबर का करेक्ट सीक्वेंस। आप वीडियो को पॉज करके इमेज को ध्यान से देखिए, आपको नंबर्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड हो सकता है कुछ लोगों को 3 और 9 ना दिख रही हो, तो उसके लिए आप फोन को लेफ्ट और राइट थोड़ा सा मूव कीजिए और फिर लेफ्ट और राइट नंबर्स देखिए, आपको नंबर्स डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट माइंड ब्लोइंग इल्यूजन। इस इमेज में बहुत सारे हिडन फेसेस हैं, तो आपको 30 सेकंड के अंदर उन्हें ढूंढना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस इमेज में टोटल 9 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस जो बड़ा सा जर्नल मैन है उनका है, एंड जर्नल मैन के फेस पे भी 3 और फेसेस बने हुए हैं। एक बूढ़े आदमी का फेस है, एक औरत का फेस है, एंड उसी औरत ने एक बेबी पकड़ा हुआ है, तो एक हो गया उसका फेस। और इमेज के लेफ्ट साइड यहाँ पर क्रो बैठा हुआ है, वहाँ टोटल 4 फेसेस बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इस चैनल के व्यूअर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए नंबरिंग करके शो किया गया है। आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो। और लास्ट वाला फेस क्रो के ऑपोजिट साइड, मतलब की राइट वाली साइड है, उसे रेड आउटलाइन करके शो किया गया है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपने टोटल 6 फेसेस ढूंढे हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है बट ऑर्डिनरी है। और अगर इस इल्यूजन में आपने टोटल 7 फेसेस ढूंढ लिए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल एवरेज से ऊपर है। आपने टोटल 8 फेसेस ढूंढ लिए हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपको खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। और अगर आप टोटल 9 फेस ढूंढ लेते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल एक्सीलेंट लेवल की है।
सो द क्लियर लॉजिक फैमिली, आपके पांचों लॉजिक्स में टोटल कितने पॉइंट्स बने हैं कमेंट करके बताना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे यहाँ पर इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग लॉजिक की सीरीज चलने वाली है, तो आपसे वो सीरीज मिस ना हो इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल मत भूलना।